जैसे बॉटम का निकाले, यहां से यहां वाला निकाले, ठीक है, हमको निकालना है यहां से लेके यहां। तो भाई साहब इस पे जो ये हाइट है, ये जो हाइट है ये वाला देख रहे हैं, इस लाइन पे ये तो 90 डिग्री बना रहा है ना। खोपड़ी पे जोर डालिए, खोपड़ी पे, खोपड़ी को और दूसरी जगह नहीं लगाइए, खोपड़ी पर जोर डालिए। मैथ इजी है यार, कौन बोलता है भारी, बहुत इजी है। हेलो भाई लोग, आज हम लोग जो मैथ का है ना क्षेत्रमिति, अरे भैया जिसको मेंसुरेशन बोलते हैं, उसको मेरा चैलेंज है कि इतना दम क्लियरली आपको बताऊंगा कि एक एक कंसेप्ट से आपको फॉर्मूला ड्राइव कराऊंगा कि आप जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। ये मेरा चैलेंज है, नहीं तो विश्वास नहीं है तो आप पूरा क्लास करके देखिए। तो सबसे पहले क्या होता है, ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं बोलो, ये पॉइंट है। तो इस पॉइंट को अगर आप एक्सटेंड करोगे, इसको पहले क्या बोलेंगे, पॉइंट, ठीक है, और ढेर सारा पॉइंट, ढेर सारा पॉइंट, ढेर सारा पॉइंट दम जोड़ दो, जोड़ दो, जोड़ दो, कि क्या बन जाएगा। मतलब इसको दम जूम करके देखोगे तो ऐसा दिखेगा, नहीं तो थोड़ा दूर से देखो तो ऐसा दिखेगा। तो क्या है, ढेर सारा पॉइंट है इसमें, एकदम अनगिनत पॉइंट है। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, लाइन। और हम बोल रहे हैं, हम गारंटी दे रहे हैं कि आपको एकदम मेंसुरेशन, इसके अलावा और कहीं जाने का जरूरत नहीं है मेंसुरेशन के लिए। तो देखिए ये लाइन हो गया, अब ढेर सारा लाइन देखिए, एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, मतलब ऐसा ऐसा ढेर सारा लाइन जोड़ दीजिए। तो ये क्या होगा, एक कुछ एरिया घेरेगा, ठीक है, कुछ एरिया घेरेगा। तो इसी का हम लोग को क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। ढेर सारा लाइन को जब कर देंगे तो इस एक एरिया बनेगा, और एक कोई भी शेप में हो सकता है, ये आपका रेक्टेंगल हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, सर्कल हो सकता है, आपका ट्रायंगल हो सकता है, कुछ भी जो मतलब आप कुछ लेंथ है, कुछ विड्थ है, मतलब जिसका कुछ सतह है, उसको हम कोई भी शेप में यहां पर लिख सकते हैं, मतलब दिखा सकते हैं। इसका हम लोग एरिया निकालना सीखेंगे, ये कोई भी शेप पे हो सकता है। और हाँ फ्रेंड देखिए, जब लाइन को डिनोट करेंगे तो क्या होगा, लाइन को जब डिनोट करेंगे, अरे भाई यहां से जब यहां तक लाइन को डिनोट करेंगे तो इसको कोई तो नापने का कोई जरिया होगा। अरे जैसे दूध को नापते हैं कैसे, किलो में नापते हैं, लीटर में नापते हैं, दुधिया वाला से जब दूध लेते हैं तो कैसे नापते हैं, ले आते हैं एक जार है उसमें धार देते हैं पूरा सा और नाप लेते हैं। तो देखिए इलो का भी नापने का एक उपाय है। तो लाइन को जब भी नापिएगा ना, तो इसको हमेशा यूनिट सिंगल रहेगा, मतलब करने का मतलब देखिए, जैसे देखिए ये लाइन है, इसका हमेशा मेजरमेंट यूनिट में होगा। जैसे आप कुछ भी कर लिए सेंटीमीटर, ना कि सेंटीमीटर स्क्वायर, एक कभी नहीं होगा। पॉइंट, पॉइंट का क्या यूनिट होगा, पॉइंट तो डायमेंशन लेस है इसको, मतलब जितना छोटा से छोटा आप पॉइंट, पिन से भी छोटा, तो इसका तो कोई यूनिट ही नहीं मेजरमेंट करने का, समझे। और लाइन का हो गया सेंटीमीटर, हो गया मीटर में, हो गया इंच में, हो गया मतलब ये आपका लाइन का मेजरमेंट करने का तरीका हुआ। अब देखिए, अब इसमें हम लोग जैसे ढेर सारा लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है, ढेर सारा मतलब इधर से हम लोग कर देते हैं तो एल यूनिट तक, एल मान लीजिए सेंटीमीटर है, इधर से मान लीजिए हम लोग करते हैं बी यूनिट तक, ये भी मान लीजिए सेंटीमीटर में है। तो भाई साहब जब इसका जो एरिया होगा, इसको तो कुछ तो हम लोग डिनोट करेंगे, और ये समझ लीजिए कि एक रेक्टेंगल है, ठीक है, बाद में हम और पढ़ाएंगे आपको
कि रेक्टेंगल कैसे होता है, सब कुछ क्या होता है। तो इसका जो एरिया निकालना रहता है तो ढेर सारा एल है, ठीक है, एल हो गया, और इसमें क्या हो गया, बी हो गया, तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या होगा, एरिया क्या हो जाएगा इसका, एल इंटू बी, और क्या हो जाएगा, यूनिट स्क्वायर, समझे। देखिए नहीं समझ में आएगा पार्टिकुलर कोई भी चीज के लिए तो आप हमको जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, हम उसको नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे आपको समझाने का। तो यहां पर देखिए, मान लीजिए कि ये 2 सेंटीमीटर है, ठीक है, बी जो है 2 सेंटीमीटर है और ये क्या है, ये 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो एरिया इसका क्या हो जाएगा, 2 × 4, अरे भाई साहब इसके साथ सेंटीमीटर भी है, ये बार बार हम बोल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, कितना लोग लिख दिया बस 8 होगा। अरे भैया 8 का होगा, 8 क्या होगा, ईटा होगा, पत्थर होगा, अरे क्या होगा, अरे भैया ये जो भी यूनिट है, मान लीजिए यहां पर सेंटीमीटर है तो गुने सेंटीमीटर है, तो क्या हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें ज्यादा दिमाग लगाने का है ही नहीं भाई, समझे, यहां तक तो क्लियर है। अब देखिए हम क्या बता रहे थे, यही एरिया, एल देखिए, ये एल हो गया, एक लाइन था इसमें, इसको एक्सटेंड कर दिए बी तक, तो ये जो ए हुआ ना, ये सरफेस हुआ। अब इसमें आप इसको एक के ऊपर एक के ऊपर एक 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 ऐसा करके लेयर आप बनाते जाइए, मतलब बहुत सारा रख दीजिए एकदम अनगिनत, और एच हाइट तक ले आइए, तो ये क्या बन जाएगा आपका, ए हो जाएगा आपका क्यूबॉइड, क्या बोलते हैं इसको, क्यूबॉइड। इसमें अगर मान लीजिए एच हाइट तक इसको हम तह पर तह बनाते जाएंगे तो क्या हो जाएगा, सपोर्ट है कि एच हाइट है, ये क्या हो जाएगा, क्यूबॉइड। मान लीजिए कि ये लेंथ और विड्थ इक्वल रहता और इसी को हम लोग सपोर्टेड कि ये ए यूनिट तक रहता, ये दोनों लेंथ और विड्थ इक्वल है और इसी को हम लोग ए यूनिट तक ऊंचा कर देते हैं तह पे तह लगा के, तो क्या हो जाएगा, ये क्या बन गया, क्यूब। अरे क्यूब यार कैसे आपको बताएं, जैसे देखिए ए जो है ना, ये देखिए ये क्या है, ये लेंथ और विड्थ अगर बराबर होता, मान लीजिए यहां तक, और इसमें हाइट भी सेम रहता तो ये क्यूब हो जाता। अरे जो मिश्री का ढेला देखा है ना, वो क्यूब के शेप में लगभग होता है, ठीक है, बाद में और बताऊंगा इसके बारे में। चलिए थोड़ा सा वापस फिर से चलते हैं एरिया पे। मान लीजिए कि 2 फीट है, ठीक है, और ये 4 फीट है, अरे फीट या फुट जो बोल लो भाई। अब इसका हमको एरिया निकालना है और वो भी निकालना है इंच में। अरे भैया तो इसमें क्या यार, देखो दिमाग लगाओ, अगर इसको हम लोग एरिया निकालेंगे सिंपल तो क्या हो जाएगा, हम लोग क्या लिख देंगे, 4 × 2, 4 × 2, तो ये क्या हो जाएगा, 8, क्या 8, क्या ईटा पत्थर, क्या 8 यहां क्या है, feet × feet बराबर 8 feet square, ठीक है। अब देखिए इसको हमको इंच में बदलना है, तो 4 फीट बराबर क्या हो गया भैया, 48 इंच हो गया, ठीक है। ए बराबर क्या हो गया, 24 इंच हो गया, बात आई समझ में। तो इसको हम लोग और दूसरे तरीके से क्या लिख सकते हैं, 48 × 24 इंच, क्या हो जाएगा, 1152 इंच हो गया। अरे भैया इंच नहीं, इंच स्क्वायर, समझ में आ गया। और इसी में हम लोग हाइट कर देंगे, लेयर पे लेयर, लेयर पे लेयर रखते जाएंगे, और
इसको मान लीजिए कि हम लोग इसको भी 2 फीट कर देते हैं, ठीक है, ये तो सेम रह जाएगा 4 फीट, ठीक है, इसको भी हम लोग 2 फीट हाइट कर देते हैं, तो ये क्या बन गया हमारा क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड का देखिए एरिया में हाइट से गुना कर देंगे तो क्या बन जाएगा, वो हो जाएगा वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा इसका क्यूबॉइड का, देखिए 4 फीट क्या हो गया लेंथ हो गया, 2 फीट क्या हो गया विड्थ हो गया, और 2 हाइट हो गया, तो कितना हो गया भाई 4 × 8 × 16 फीट। क्या फीट क्या क्यूब, यूनिट का हमेशा ध्यान रखिएगा। अब इसी को हम लोग इंच में बदलेंगे तो 3 × 12 हो जाएगा, क्योंकि यहां पर देखिए इसको भी कर देंगे तो कितना हो जाएगा 24 इंच, वो आप निकालते रहिएगा। समझ में आ गया वॉल्यूम एरिया पॉइंट लाइन क्या होता है, बिल्कुल समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट आगे देखते हैं, इससे रिलेटेड फॉर्मूला ड्राइव करते हैं, पहले आपका बेसिक्स समझ में आ जाना चाहिए। देखिए सपोर्ट है हमारे पास एक क्यूब है जिसका सारा साइड 1-1 मीटर है, ठीक है, और इसमें हाइट भी आपका 1 मीटर है, ठीक है, तो इसमें यहां पर एक छेद कर देते हैं हम लोग, ठीक है, और यहां पर हम लोग पानी डालते हैं, ठीक है। अरे भैया एक कनस्तर जो होता है ना टीन का, समझ लो कि वही है, और इसमें छेद कर देते हैं तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम 1 × 1 × 1 बराबर क्या हो गया 1 m³। तो भाई साहब इसमें जब पानी भरेंगे ना तो जानते हो कितना लीटर होगा, ये हो जाता है 1000 लीटर, समझे। 1 m³ मान लीजिए 1 m चौड़ा रहे 1 m लंबा रहे 1 m ऊंचा रहे तो उसमें 1000 लीटर पानी अटेगा, तो ये 1000 जैसे 1000 तो ठीक है, और इसका एक यूनिट हो गया लीटर, समझे। यहां पर क्यूब नहीं होकर लीटर हो गया क्योंकि ये वॉल्यूम को हम लोग लीटर में व्यक्त कर रहे हैं। बात आई समझ में, नहीं आई तो आप कमेंट में जरूर लिखिएगा, मैं आपको दोबारा समझाने का कोशिश करूंगा। ए है स्क्वायर जिसका ए है और सारा साइड ए है, तो भैया इसका जब एरिया हम लोग लिखेंगे ना, देखिए इसमें फॉर्मूला रटने का जरूरत नहीं है, क्या कहा था, तो इसका एरिया जब हम लोग निकालेंगे ना तो इसमें हम लोग को फॉर्मूला रटने का जरूरत नहीं है, दिमाग लगाइए। ए लेंथ है और ए विड्थ है, तो ए इंटू ए क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, और क्या क्योंकि हमको नहीं मालूम है कि ये क्या है, ईटा है पत्थर है सेंटीमीटर है मीटर है, तो ये सिंपल सा यूनिट स्क्वायर हो जाएगा। आई बात समझ में, मैं बार बार बोल रहा हूं एरिया वॉल्यूम लेंथ का मेजरमेंट करने का तरीका समझिए। और भैया यहां से हम लोग इसको मिला दिए तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं डायगोनल। अरे अरे सरकारी स्कूल में जिसको कर्ण बोलते हैं कर्ण, अबे वो महाभारत वाला कर्ण नहीं भाई साहब, समझे। तो इसका डायगोनल का क्या फॉर्मूला है, देखिए डायगोनल का फॉर्मूला हो जाएगा आपका, मैं शॉर्टकट में लिखूंगा क्योंकि लिखने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, इसको ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो इसका क्या हो जाएगा 2a² √, तो ये क्या हो जाएगा a√2। अब भाई इसका यूनिट क्या होगा, तो डायगोनल क्या है यहां से इसको क्या मेजर कर रहे हैं हम लोग लेंथ है, तो ये क्या हो जाएगा यूनिट हो जाएगा। अब एग्जांपल के तौर पर देखिए यहां पर 2 cm लेते हैं, ठीक है, इसको भी 2 cm लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 2
रूट टू सेंटीमीटर, समझ में आया? अरे थोड़ा सा खोपड़ी पर जोर डालिए तो समझ में आ जाएगा। और ये डायगोनल का जो फॉर्मूला होता है ना भाई, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये कुछ नहीं है, देखिए आप ध्यान से देखिए इसको, ये क्या है, ये क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। और इसमें ये बेस हो गया, ये हाइट हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया, तो यहां पर पाइथागोरस, पाइथागोरस थ्योरम यहां पर लगेगा, समझे? कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, बस समझ में आ गया, स्क्वायर क्लियर। अब चलिए हम लोग रेक्टेंगल की ओर चलते हैं, एक थोड़ा लंबा होगा दूसरा थोड़ा छोटा होगा। अरे मान लीजिए ये ए है और ये बी है, वही ईटा पत्थर जो भी मान लो यार मेजरमेंट करने का, और देखिए दिखने में भी लग रहा है ए छोटा है बी बड़ा है, मतलब दोनों सेम नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, रेक्टेंगल। तो भैया इसका एरिया क्या है, एरिया सिंपल है भाई, बी लेंथ है ना, और इसको ए सजा के रख दिया ऐसे 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 ऐसे, तो क्या हो गया ए इंटू बी, तो ये क्या हो गया ए बी यूनिट स्क्वायर। मान लीजिए चार सेंटीमीटर है और ये है टू सेंटीमीटर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा टू इंटू चार बराबर आठ, और क्या यूनिट स्क्वायर है, समझे, समझ में आया? अब जब भी चेंज कीजिएगा यहां पर, मान लीजिए से दूसरे यूनिट में कन्वर्जन कीजिएगा तो दो बार गुना हो जाएगा। मान लीजिए कि आप सपोज एक नया एग्जांपल लेता हूं, ठीक, ये मीटर है, ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको हमको सेंटीमीटर में बदलना है, तो जब भी इसको बदलिएगा ना, तो एक मीटर बराबर क्या होता है 100 सेंटीमीटर होता है ना भाई साहब, तो 8 इंटू 100 इंटू 100 होता है ना, तो ये क्या हो जाएगा 8 पे 4 बार 0, ये हो जाएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये मत पूछेगा कि 100 कहां से आया, अरे भैया 2 मीटर बराबर यहां पर 200 सेंटीमीटर लिख सकते हैं ना, और यहां पर 400 सेंटीमीटर, बस वही है, आई बात समझ में? और देखिए फिर से इसको हम लोग एक रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं, और ये है ए और ये है बी, तो भैया इसका डायगोनल क्या हो जाएगा, अगेन वही जो हम लोग स्क्वायर में किए थे, तो स्क्वायर में क्या किए थे इसका डायगोनल, अरे वही यार ये 90 डिग्री होगा ना भाई साहब, तो ए वाला डायगोनल देखिए पाइथागोरस थ्योरम की लगाएंगे, डायगोनल क्या हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये यूनिट में क्या रहेगा, देखिए ये लेंथ है, ये सिंपल ये यूनिट हो जाएगा। एग्जांपल के लिए देखिए मान लीजिए 2 सेंटीमीटर और ये 1 सेंटीमीटर, तो 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 5 अंडर रूट, यूनिट क्या है सेंटीमीटर, समझ में आ गया? अब देखिए इसका पेरीमीटर का बात किया जाए, तो यहां से एक धागा लीजिए चारों तरफ लपेट दीजिए, ठीक है, इसका एप्लीकेशन के बारे में मैं बाद में बताऊंगा कि इससे रेक्टेंगल स्क्वायर से मतलब क्या क्या क्वेश्चन आता है। अभी हम लोग कंसेप्ट मतलब फॉर्मूला को एक साथ पूरा समराइज कर देंगे ताकि आपको समझने में कभी भी दिक्कत ना हो। तो यहां पर धागा लपेट दिए तो क्या हो गया ए भी बी है ए भी है, तो पेरीमीटर क्या हो गया भैया, यहां से शुरू कीजिए ए प्लस बी
अगेन ए प्लस बी, तो क्या हो गया 2a प्लस 2b, डबल ब्रैकेट में ले लेंगे a प्लस बी। ये कंफ्यूज मत होइएगा कि a मतलब क्या हो गया, कभी इसको लेंथ भी लिख सकते हैं, अरे भैया इसको l भी लिख सकते हैं, इसको b भी लिख सकते हैं, तो 2a प्लस बी। और यूनिट क्या होगा, तो यहां से हम लोग धागा लिए हैं, ठीक है, चारों तरफ घुमा दिए हैं, तो इसको जब खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, एक बहुत बड़ा रस्सी बन जाएगा। देखिए यहां से ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी, तो ये क्या लेंथ हो गया, तो इसका यूनिट स्क्वायर नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, समझे। और यहां पर इस एग्जांपल में देखिए तो क्या हो जाएगा, टू ए हमारा कितना है, टू प्लस बी कितना है, वन, तो टू वन थ्री हो गया, बराबर सिक्स, ये क्या है सेंटीमीटर में है, तो सिक्स सेंटीमीटर। स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होगा भाई साहब, तो स्क्वायर का पेरीमीटर के लिए देखिए, अरे थोड़ा डायग्राम तीसरा तीसरी हो गया है लेकिन समझ लिया कीजिए, ठीक है, चारों साइड ये है, यहां से हम लोग कट कर देंगे इसको, इसके चारों तरफ धागा लपेटा हुआ है, ठीक है, चारों तरफ धागा लपेटा हुआ है, अरे भैया इस कलर से देखो, यहां से हम लोग शुरू किए, चारों तरफ लपेटा हुआ है, तो इसको जब हम यहां से काट के ये क्या करेंगे, ए ए ए ए, तो क्या हो गया पेरीमीटर, अरे पेरीमीटर कुछ नहीं यार, घेड़ा घेड़ा, तो ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, तो क्या हो गया फोर ए, और लेंथ है अगेन हम बोल रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा यूनिट हो जाएगा, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए दो सेंटीमीटर ए, तो दो ए भी हो जाएगा, ए भी दो हो जाएगा, ए भी दो हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा फोर इंटू टू बराबर एट सेंटीमीटर। आई बात समझ में, देखिए एक हम लोग रेक्टेंगल लेते हैं और रेक्टेंगल में हम लोग हाइट दे देंगे, ठीक है, हाइट दे देंगे, ठीक है, और डायग्राम में दिक्कत हो सकता है, यह हाइट कौन सा हो गया, देखिए इसको अगर आप विथ लेते हैं तो हाइट आपको इसको लेना पड़ेगा, इसको हाइट ले लीजिए, और इसका देखिए बैक साइड का भी हम लोग डायग्राम को पूरा पहले कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद समझ में आएगा। तो देखिए ये हो गया लेंथ, अब इसको विथ मान लीजिए और इसको हाइट, ठीक है, तो वॉल्यूम तो हम लोग निकाल ही चुके हैं, उसके बाद देखिए इसका पहले समझिए, इससे समझिए आप कि वाइट क्या है, यही है, देखिए ये हो गया लेंथ, ये हो गया आपका विथ और ये हो गया हाइट, और वो जो डॉटेड डॉटेड है ना, जो पीछे वाला एरिया पीछे वाला वो आपको दिख नहीं रहा है इसलिए डॉट डॉट से किए हैं, तो इसमें हम लोग तीन चीज निकालेंगे, वॉल्यूम, वॉल्यूम तो ऑलरेडी बता दिए हैं, अब वॉल्यूम कुछ नहीं होता है, देखिए इसके अंदर जो कितना स्पेस है वो हो गया आपका वॉल्यूम, ठीक है, दूसरा इसका सरफेस एरिया देखेंगे टोटल, अरे जैसे देखिए ये क्या हो गया एक सरफेस हो गया, ऐसे टोटल कितना हो गया, एक दो तीन चार पांच छह, टोटल छह सरफेस हो गया, इसका एरिया निकालेंगे और डायगोनल देखेंगे, जो हाईएस्ट इसका डिस्टेंस क्या होगा, जैसे इसमें कोई बांस रखना चाहता है तो सबसे लंबा बांस कौन सा रखाएगा, देखिए ऐसे तिरछा करके रखिएगा ना, ऐसे तिरछा अंदर घुसा के ऐसे तिरछा करके रखिएगा तो वो डायगोनल होगा। अब देखिए यहां पर हम लोग निकालना सीखेंगे, तो सबसे पहले हम लोग सरफेस एरिया ऑलरेडी हम लोग वॉल्यूम निकाल लिए, तो इसका क्या हो जाएगा टोटल कितना सरफेस हो जाएगा, छह हो जाएगा, तो टोटल टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, देखिए एक लेंथ इंटू बी और एक नीचे भी है तो भाई साहब एक ऊपर भी तो रहेगा ना, ये फेस आमने सामने, तो ये दो बार हो जाएगा, ठीक है, लेंथ इंटू बी, फिर दूसरा क्या हो जाएगा ए वाला, देखिए ओके इसको कलर करते हैं दूसरे से तो समझ आएगा, ए वाला देखिए ये क्या है, ये बी है,
अभी एच है, अरे ए वाला देखो भाई साहब इसका बात कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा प्लस बी इंटू एच, और इसके सामने ए भी तो हो जाएगा ना, ये पीछे साइड, तो देखिए बी इंटू एच हो गया। अब देखिए आप कौन सा दो बच गए, देखिए ए वाला, देखिए डायग्राम को समझने का कोशिश कीजिए, ए वाला सामने वाला, सामने वाला क्या है एल है और ये क्या है एच है, समझ में आ रहा है? अरे ये सब देखिए मिटा देंगे तो समझ में आएगा, मिक्सअप हो रहा है आपको। देखिए सामने वाला एरिया, तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, लेंथ है एच है, एल इंटू एच, ये भी दो बार हो जाएगा, पीछे भी तो है एक, तो टोटल कितना हो गया हमारा, देखिए टू एल बी टू बी एच टू एल एच, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए टोटल सरफेस एरिया टू कॉमन ले लेंगे, अरे यहां से देखिए यहां टू कॉमन ले लेंगे, तो एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, और देखिए अगेन ये क्या है एरिया है, तो इसका यूनिट स्क्वायर होगा। आया बात समझ में, आया कि नहीं आया बताइए। एग्जाम्पल से आपको देखना है, तो मान लीजिए लेंथ है 2 सेंटीमीटर, विथ है 1 सेंटीमीटर, हाइट है 2 सेंटीमीटर, तो इसका टोटल कितना हो जाएगा, 2, अरे भाई साहब एल इंटू बी, देखिए एल बी 2 इंटू 1, ठीक है, फिर क्या बी प्लस एच, मतलब बी इंटू एच सॉरी, तो बी 1 एच 2, फिर क्या हो गया एल इंटू एच, एल कितना है 2, एच कितना है 2, तो कितना होगा 4 + 4 = 8 = 16, क्या ईटा पत्थर क्या भैया, देखिए एरिया है तो हम लोग क्या किए थे सेंटीमीटर स्क्वायर, यूनिट का एकदम खास ध्यान रखिएगा तो आपको सब कुछ कंसेप्ट क्लियर होगा। देखिए अब क्यूबॉइड का जो हम लोग डायगोनल का बात कर रहे हैं, इसमें सबसे लंबा बांस कितना रख सकते हैं, तो देखिए डिबिया की मदद से समझते हैं, इस कोना से लेके ये कोना जो पीछे वाला है यहां ऐसे सबसे लंबा बांस हम लोग रख सकते हैं, मतलब हम लोग इस कोना से यहां भी रख सकते हैं, समझे, टोटल हम लोग 4 तरीके से रख सकते हैं, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से पीछे वाला और इधर से उधर पीछे वाला, समझे। तो इसका हम लोग का डायगोनल निकालना है, ठीक है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे विजुलाइज कीजिए, इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ए वाला हम लोग को लेंथ निकालना पड़ेगा, देखिए ये जो लेंथ है ना ए लेंथ, तो रेक्टेंगल का हम लोग क्या बोले थे, मान लीजिए कि ये लेंथ है और ये विड्थ है और ये हाइट है, ठीक है, तो हम लोग रेक्टेंगल में क्या पढ़े थे, ये क्या हो जाएगा ये लेंथ, ये जो डायगोनल होगा हमको डी से डिनोट कर रहे हैं, वाला डायगोनल नहीं इसका, ये सरफेस का, समझे, ये क्या हो जाएगा डायगोनल ऑफ बॉटम बोल दीजिए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये विड्थ है और लेंथ है, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आ गया समझ में, अब ये लेंथ है, अब देखिए ध्यान से समझिएगा, अभी हम लोग कौन सा निकाले हैं, देखिए यहां से यहां वाला इधर वाला, देखिए जैसे बॉटम का निकाले, यहां से यहां वाला निकाले, ठीक है, हमको निकालना है यहां से लेके यहां, तो भाई साहब इस पे
जो ये हाइट है, ये जो हाइट है ये वाला देख रहे हैं इस लाइन पे, ये तो 90 डिग्री बना रहा है ना। देखिए ये नजदीक से देखिए, ये वाला जो लेंथ है हम लोग अभी वही निकाले ना डायगोनल और बॉटम, और इस पे जो हाइट है ये वाली कॉर्नर क्या 90 डिग्री बना रही है, तो अगेन ट्रायंगल हो गया। अगेन हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे यहां पर, डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड क्या हो जाएगा, तो ये लेंथ हमारा क्या है, तो इधर से लिख के दे, इधर से लिख के बता दें हम लोग क्या किए थे उसमें, याद है डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल क्या किए थे, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किए थे ना भाई साहब। अरे तो ये पूरा देखिए एक लेंथ हो गया, समझ में आया, नहीं समझ में आएगा तो बताइएगा कमेंट में जरूर बताइएगा। इसका स्क्वायर, अरे इसको एक टर्म मान लीजिए एक टर्म प्लस हाइट का स्क्वायर, तो इसको जब हम लोग करेंगे तो क्या मिलेगा, जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए अंडर रूट का स्क्वायर करने पर क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए प्लस एच स्क्वायर, आया बात समझ में, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा ठीक है, यूनिट स्क्वायर नहीं कीजिएगा भूल के। अब एग्जांपल के लिए दीजिए, अब एग्जांपल के लिए देखिए, ए 2 सेंटीमीटर है, विड्थ है 1 सेंटीमीटर और हाइट है 1 सेंटीमीटर, तो इसका देखिए बॉटम का डायगोनल क्या हो जाएगा, अरे देखिए 2 स्क्वायर करेंगे और ये 1 स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर तो अंडर रूट 5 क्या सेंटीमीटर ठीक है। अब हम लोग को यहां से यहां का निकालना है डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट 5, अरे एक साइड ये होगा ना भाई, प्लस हाइट देखिए हाइट 1 स्क्वायर, तो 5 प्लस 1 का अंडर रूट हो जाएगा ठीक है, इसको स्क्वायर करके हटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा अंडर रूट 6, और ये क्या ईंटा पत्थर क्या लेंथ है, तो हमेशा सेंटीमीटर होगा, आ गया समझ। और यही चीज हम लोग अब क्यूब में देखते हैं, तो क्यूब में क्या होता है देखिए, क्यूब में क्या होता है, इसको हम लोग बैक साइड को भी बना देते हैं, सारा सेम है ठीक है, ए ए ए, तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, जैसे उसका निकाले थे तो हम लोग यहां से यहां इसका निकालेंगे क्या होगा डायगोनल, बॉटम का डायगोनल निकालेंगे तो क्या होगा ये वाली, तो डायगोनल ऑफ बॉटम अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 2 ए स्क्वायर हो जाएगा, आगे समझ में, तो रूट 2 ए हो गया ठीक है। और इसी में हम लोग हाइट लगा दे रहे हैं ठीक है, हाइट लगा दे रहे हैं, तो हम लोग का ये वाला लेंथ निकल जाएगा यहां से यहां वाला ठीक है, तो डायगोनल ऑफ क्यूब तो क्या हो जाएगा देखिए रूट 2, इसको इसी को लेके चलते हैं हम लोग, अभी सिंप्लीफाई नहीं करते ठीक है, स्क्वायर प्लस एक साइड ये भी हो जाएगा ए स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा अंदर 2 ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3 ए स्क्वायर का अंडर रूट, तो क्या हो जाएगा ए रूट 3 और ये यूनिट होगा ठीक है, यूनिट स्क्वायर नहीं होगा। अब मान लीजिए कि ये 1 सेंटीमीटर, ये भी है 1 सेंटीमीटर,
ये है 1 सेंटीमीटर, तो क्या हो जाएगा, डायगोनल बॉटम अंडर रूट 1+1 तो रूट 2, ठीक है, ये क्या हो जाएगा सेंटीमीटर, और डायगोनल ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा √3 × एक जगह पर क्या है √3 × 1 सेंटीमीटर, बराबर क्या हो जाएगा √3 सेंटीमीटर। तो भैया इतना इजी है और मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको मतलब बेस्ट से बेस्ट सपोर्ट दे सकूं और आपको एकदम जीरो से मैं समझाऊंगा। यहां पर मैंने क्यूबॉइड, रेक्टेंगल, स्क्वायर, क्यूब सबके बारे में बता दिया और नेक्स्ट क्लास में और तरह तरह के जो मतलब है ट्रायंगल है, स्फीयर है, सिलेंडर है, कोन है, मैं सबका बताऊंगा। और मैं ये कहना चाहता हूं आप मैथ को विजुलाइज कीजिए, खोपड़ी पे जोर डालिए, खोपड़ी पे, खोपड़ी को और दूसरी जगह नहीं लगाइए, खोपड़ी पर जोर डालिए। मैथ इजी है यार, कौन बोलता है भारी है, बहुत इजी है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।